वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती एंड आई एम मेकिंग वीडियोस ऑन फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल। सो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब। सो आज मैं लेके आई हूँ काफ़ी अफोर्डेबल स्वेटर्स, वो भी मिंत्रा से। ऑल द स्वेटर्स आर अंडर रुपीज 400 ओनली एंड लुक वाइज काफ़ी अच्छे स्वेटर्स हैं, प्लस सबकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हाँ, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डोंट फॉरगेट टू डू चेक इट आउट। ओके, फर्स्ट है ये येलो कलर में स्वेटर पुलओवर और इसका ब्रांड है इथर। इसके अंदर आपको ये स्ट्रिप पैटर्न मिल जाएंगी, नेक इसका राउंड नेक मिल जाएगा और स्लीव्स आपको लॉन्ग स्लीव्स मिल जाएंगी और स्लीव्स पे भी आपको सेम वैसे ही पैटर्न मिल जाएंगी। और लेंथ इसकी क्रॉप लेंथ नहीं है, आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी खासी इसके अंदर लेंथ प्रोवाइडेड है। और अब मैं इसके मटेरियल की बात करूं तो इसका मटेरियल है एक्रेलिक एंड मटेरियल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसकी प्राइस है 330 रुपीज़। प्राइस के अकॉर्डिंग इट्स टोटली वर्थ इट। मटेरियल काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट मटेरियल है, तो लुक वाइज तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और कलर भी काफ़ी प्यारा है। तो पहले मैं इसको पहन के आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, लुक एट द फिटिंग, आई एब्सोल्युटली लव इट। मैंने इसको टकिंग करके पहना है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड द मटेरियल इज वेरी लाइट वेट। मुझे तो ये स्वेटर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो अ बिग बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड। एंड इसके बॉटम में जो मैंने ये स्कर्ट पहना है जैकेट पैटर्न में, वो मैंने मीशो से परचेज किया था। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। सो काफ़ी अच्छा स्वेटर है, तो ये आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। सेकेंड है ये वेरी सिंपल सा स्वेटर एंड ये ग्रीन कलर में है। इसका ब्रांड है ड्रेस बेरी। इसके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं है बट इसकी जो नेक लाइन है वो अट्रैक्टिव है। इसकी नेक लाइन पे आपको ये दो स्ट्रैप्स मिल जाएंगे जिससे ये काफ़ी स्टाइलिश दिख रहा है। ये स्वेटर है बट इट्स लुक्स लाइक कि ये कोई टॉप है और इसके अंदर आपको ये लॉन्ग स्लीव्स मिल जाएंगी। लेंथ भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी दी गई है। तो पहले इसको पहन के देखते हैं कि इसका फिटिंग वगैरह कैसा है, उसके बाद बात करते हैं। सो गाइस, मैंने इसको पहन लिया है और सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फिटिंग की। तो ये मैंने स्मॉल साइज में लिया है बट फिर भी ये मुझे काफ़ी टाइट हो रहा है। तो अगर आपको ये परचेस करना है तो आप इसके अंदर एक साइज बड़ी लेना। मेरी साइज स्मॉल है बट फिर भी ये मुझे काफ़ी टाइट हो रहा है। तो अगर आपको परचेस करना है तो आप इसके अंदर एक साइज बड़ी भी ले सकते हो। और इसकी डिज़ाइन वगैरह मुझे बहुत ही पसंद आई, काफ़ी अच्छा स्वेटर है और इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो हाईली रिकमेंडेड। और इसके लिए मैंने पे किया है 264 रुपीज़ ओनली। उसके बाद आई गॉट माई फेवरेट फ्रॉम दिस हॉल। लेट मी शो यू द स्वेटर एंड लुक एट दिस। इट्स कलर इज ऑलिव ग्रीन कलर। इसके अंदर आपको राउंड नेक मिल जाएगा और फ्रंट में एकदम सिंपल सी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन दी गई है। और लेंथ भी आप लोग देख सकते हो, स्लीव्स आपको इसके अंदर लॉन्ग मिल जाएंगी और स्लीव्स के एंड में आपको ये रिप हेमलाइन मिल जाएंगी। सो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्वेटर है एंड द मटेरियल इज वेरी सॉफ्ट एंड काफ़ी थिक मटेरियल है। तो इसका मटेरियल मुझे बहुत पसंद आया, बट तो पहले इसको पहन के देखते हैं। सो गाइस, मैंने इसको पहन लिया है एंड इट फील सो सॉफ्ट, सो कोजी। आप लोग इसकी डिज़ाइन देख सकते हो, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। और इसकी जो नेक लाइन है वो यहाँ तक आ रही है, थोड़ी सी हाई नेक मिल जाएंगी। और इसकी जो स्लीव्स है वो काफ़ी लूज फिट में है। मुझे इस टाइप का लूज फिट वाला स्वेटर्स बहुत ही पसंद आता है। और नीचे आपको ये रिप हेमलाइन मिल जाएंगी, लेंथ भी एकदम परफेक्ट है और इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आप इसको डेनिम जीन्स के साथ पहन सकते हो, डेनिम स्कर्ट के साथ पेयर अप कर सकते हो। इट्स लुक सो एलिगेंट एंड सो क्लासी, आई जस्ट लव दिस स्वेटर। इसके लिए मैंने पे किया है 419 रुपीज़। मैंने सारे स्वेटर अंडर 400 में लिया है, सिर्फ यही एक स्वेटर है जो 400 से थोड़ी ज़्यादा प्राइस है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्वेटर है। सो हाईली रिकमेंडेड। ओके, लास्ट स्वेटर काफ़ी ब्राइट कलर में मैंने लिया है एंड दिस इज द स्वेटर और ये ऑरेंज कलर में है। इसके अंदर आपको ये रफल्स की डिटेलिंग मिल जाएगी फ्रंट साइड पे और नेक इसका राउंड नेक मिल जाएगा और इसकी जो स्लीव्स है वो आपको लॉन्ग स्लीव्स मिल जाएंगी एंड ये भी मुझे काफ़ी लूज फिट में लग रही है। और इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो आपको इसको ऑब्वियसली टकिंग करके ही पहनना पड़ेगा। और इसका जो ब्रांड है मस्ट एंड हैव अ ब्रांड। इसके मैंने और भी कपड़े पहले ट्राई किए हैं, काफ़ी अच्छी ब्रांड है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। तो पहले इसको पहन के देखते हैं कि कैसा लग रहा है।
फिट वगैरह कैसा है। सो गाइस मैंने इसको पहन लिया है एंड इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो आपको इसको अंदर टकिंग करके ही पहनना पड़ेगा। मैंने सब वैसे ही पहना है। इसके साथ मैंने ये स्कर्ट पहना है ब्राउन कलर का एंड इट्स लुक्स ऑसम। मुझे ये लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप इसको कॉलेज में पहन के जा सकते हो, ऑफिस में पहन के जा सकते हो। काफ़ी अच्छा स्वेटर है। आप इसके नीचे डेनिम पहन सकते हो, ब्लैक कलर का जीन्स पहन सकते हो, किसी भी बॉटम वेयर के साथ स्टाइल कर सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्वेटर है। इट कॉस्टिंग भी फॉर ₹331 ओनली, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल रेंज है। सो हाईली रिकमेंडेड। मुझे तो ये लुक बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो स्कर्ट मैंने इसके साथ पहना है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इनके अगर आपको परचेज करना है तो आप लोग कर सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्कर्ट है एंड इट्स लुक्स पिंटरेस्टी वाइब। सो या बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड। सो गाइज ये था मेरा आज का मिंत्रा स्वेटर्स हॉल वीडियो। आई होप यू लव माई टूडेज कलेक्शन। और अगर आपको ऐसे और भी वीडियोज़ देखने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।